हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे आपने इंट्रो देख ही लिया होगा, आज मैं बात करूंगा एक कैमरा ड्राई कैबिनेट की। जी हाँ गाइस, जो कि मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया है अमेज़ॉन से। सबसे पहले इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। सो गाइस, हो गई इसकी अनबॉक्सिंग। बहुत अच्छी पैकेजिंग की हुई थी डीलर ने। एक्चुअली मुझे काफ़ी टाइम लग गया इसको अनबॉक्स करने में। सो अब बात करते हैं इसकी फ़ीचर्स की। सबसे पहले बात करते हैं कि ड्राई कैबिनेट क्या होता है। ड्राई कैबिनेट गाइस एक तरह का आपका एयर टाइट स्टोरेज कंटेनर होता है गाइस, जो आपके कैमरा एंड आपके लेंसेज में फंगस और मॉइस्चर आने से बचाता है। मतलब फंगस लगने से बचाता है और मॉइस्चर आने से बचाता है। सो गाइस, अब चलते हैं इसकी थोड़ी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। इसकी बिल्ड क्वालिटी एलुमिनियम की बनी हुई है। ये एलुमिनियम का एक कैबिनेट है और ये थोड़ा इसका स्लाइडिंग ट्रे है। ये थोड़ी प्लास्टिक की है और इसमें स्पंज या फॉर्म की कुशनिंग है। काफ़ी अच्छा है कि मतलब इसमें आपका लेंस जैसे कई बार आपस में नहीं टकराएंगे और थोड़े स्टेबल भी रहेंगे इसमें। कि इसमें हमें मिला क्या क्या है, हमें गाइस इसमें मिला है पहले तो एक मैनुअल गाइड और दूसरा जहां तक मुझे लग रहा है वो होगा इसका एडॉप्टर। तो गाइस इसके एडॉप्टर की बात करते हैं। ये एक 5 वोल्ट का एडॉप्टर है जिससे इसको पावर मिलेगी। आपने नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इसको इसको प्लग इन कर देना है और उससे इसको पावर मिल जाएगी। और गाइस जो आपका कम से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा जितना आपका एक स्मार्टफोन 5 वोल्ट का चार्जर होता है उसका भी, सो ये उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। सो अब बात करते हैं इसके डोर की। इसका डोर गाइस बहुत अच्छा, इन्होंने एक एयर टाइट कंटेनर जैसे लाइक इसमें से एयर टाइट है ये, जैसे हमारा नॉर्मली एक फ्रिज का होता है कि जिसमें एयर पास ऑन नहीं हो सकती, वैसे ही इसका भी एक ये काफ़ी अच्छा इन्होंने डोर दिया है। और ये इसकी लॉक की भी है जिससे आप इस डोर को लॉक भी कर सकते हैं। ये लॉक हो गया। तो गाइस यहाँ पे आप इसका टेम्परेचर देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें ह्यूमिडिटी आप चेक कर सकते हैं कि कितनी है और अंदर से आप इसको मैनुअली चेक अपने अकॉर्डिंगली या मतलब जो हमें कैमरा और लेंस को रखने के लिए अंदर जैसे 30-40 डिग्री हमें टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, सो वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो गाइस अब मैं इसमें अपने लेंसेज प्लेस करता हूँ। सो गाइस इसमें मैंने अपने लेंसेज स्टोर कर दिए हैं और इसकी पावर ऑन भी कर दी है। गाइस अब बात करते हैं कि ये हमारे कैमरा और लेंसेज के लिए क्यों ज़रूरी होता है। कई बार हमारे कैमरा में फंगस या मॉइस्चर आ जाता है। अगर हमारे लेंस में एक बार फंगस लग जाए तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है गाइस। आप फिर उसको सर्विस सेंटर लेके जाओगे क्लीन करवाने के लिए। जब लेंस आपका एक बार खुलेगा तो उसमें वो फंगस तो क्लीन कर देंगे, लेकिन कई बार जब आप उसको यूज़ करोगे फंगस क्लीन करवाने के बाद अगर आप यूज़ करोगे तो कई बार उसकी क्वालिटी डल हो जाती है। मतलब जब आपका एक बार कैमरे का लेंस अगर खुल गया तो 50-50 चांस होता है कि उसकी वो क्वालिटी रिमेन रहेगी जो उसकी फंगस से पहले थी। मेरे एक लेंस में आना शुरू हो गई थी हल्की हल्की, मुझे 2 डॉट्स दिखने लग गए थे, पानी जैसा था वो। तो मैंने बात की उनके साथ तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको हमारे पास लेके आइए, हम वो क्लीन कर देंगे, लेकिन उसके बाद 50-50 चांसेस होंगे कि इसकी क्वालिटी वैसी रहेगी। तो गाइस इससे बढ़िया ये है कि आपके इतने महंगे महंगे लेंसेज होते हैं, हमारे पास बहुत तरह के लेंसेज होते हैं जैसे टेलीफोटो लेंस हो गया, मैक्रो लेंस हो गया, वाइड एंगल लेंस हो गया, किट लेंस हो गया। सो गाइस आपकी इतनी महंगी एक्सेसरी होती है, ठीक है, लाखों के लेंसेज आपके होते हैं। अगर उनमें कुछ इतनी सी भी दिक्कत आ जाए तो वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और आपका मोटा खर्चा जैसे 8-10 हज़ार रुपये तो लग ही जाते हैं नॉर्मली। तो इससे बढ़िया ये है कि आप ये मैंने तो चलो
7-8 हज़ार की मंगवाई है। आप इससे एक बड़ा, ये 30 लीटर का है बॉक्स, आप 50 का भी आता है इसमें और 80 लीटर्स का भी आता है। इट्स अप टू यू, आपके पास कितना इक्विपमेंट है आप उसके अकॉर्डिंगली बाय कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 3 बॉडीज़ हैं, एक सोनी A7 जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, और एक ये दो और दो कैमराज हैं और कुछ लेंसेज हैं। सो ये मेरी नीड के अकॉर्डिंगली मुझे ठीक लगा, सो मैंने ये ही ऑर्डर कर दिया था। और हाँ गाइस, इसके अलावा आप अगर आप ये नहीं भी परचेज करते हैं तो आप अपने कैमरा किट बैग में, जो आपका बैग है, जो कैमरा बैग है, उसमें आप सिलिका जेल तो पक्का रखिए ही रखिएगा, क्योंकि वो तो मस्त उसमें होनी चाहिए, क्योंकि उससे भी कई बार वो कुछ मॉइस्चर वगैरह नहीं आने देता। लेकिन ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपके इतने लेंसेज हैं, आप उनको सेफ रखना चाहते हैं, तो आप ये भी परचेज कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।